आगे बढ़ते हैं एक और हमारी आज की कवर स्टोरी जो कि जुड़ी हुई है छात्रों से, खास तौर से वो छात्र जो चाइना से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। चीन में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एनएमसी यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि चीन में मेडिकल की ऑनलाइन पढ़ाई मान्य नहीं होगी। इसी बीच में एक पुराना जो फैसला था उस फैसले के खिलाफ जो बच्चे चाइना के कॉलेजेस से कोर्स कर रहे थे और भारत में फंस गए थे कोविड के कारण, वो हाईकोर्ट पहुंच गए। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को भी नोटिस दिया है, आयोग को भी नोटिस दिया है। अब ये दोनों मामले जरा समझ लीजिए, फिर इस पर चर्चा करें। चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे करीब 23,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चीन से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों को भारत में मान्यता नहीं देने की बात कही है। चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र भारत में फंसे रह गए हैं। इसके पीछे चीन के यात्रा प्रतिबंध जिम्मेदार हैं। लेकिन अब चीन बाकी देशों के लिए यात्रा प्रतिबंधों को आसान करने की सोच रहा है, लेकिन भारत के बारे में इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में चीन के विश्वविद्यालयों से भारतीय बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एनएमसी ने यह साफ कर दिया है कि भारत में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाए गए मेडिकल कोर्स को मान्यता नहीं है। आयोग ने भारतीय छात्रों को चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर सावधान भी किया है। इस तरह चीन के कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस बीच चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की तरफ से एनएमसी के एक और फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। बच्चों ने अदालत को सूचित किया है कि वे 2020 की शुरुआत में भारत लौट आए थे, लेकिन तब से वापस नहीं जा पाए क्योंकि चीन छात्रों को वीजा जारी नहीं कर रहा है। दिक्कत यह है कि वो भारत में भी अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पिछले साल नवंबर में जारी किए गए नियमों के मुताबिक उनके मेडिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का कोई भी हिस्सा भारत में या फिर चीन के अलावा किसी दूसरे देश से करने की अनुमति ही नहीं है। छात्रों ने जोर देकर कहा है कि भारत में उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या क्लर्कशिप करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इसे रोकने का कोई कारण नहीं है, खास तौर से तब जब देश मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा हो। इस याचिका में कहा गया है कि चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्र हैं, ना कि आतंकवादी। बच्चों की मांग पर कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। साथ ही कानून और न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।